नमस्कार। सो देखिए, काफ़ी कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे, बिकॉज मैं कॉलेज को विजिट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, और मैं किसी कमेंट को डिलीट करना नहीं चाहता, और वो आप भी देख सकते हैं। लेकिन चूँकि कुछ कॉमन कॉमेंट्स आ रहे थे, तो फिर से मुझे लगा कि मैं एक ना पर्सपेक्टिव आप सबके सामने रखूँ, ताकि आपको ये भी पता चले कि जब मैं भी जाता हूँ तो मैं क्या सोच के देखता हूँ और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात यही है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो भी करते हैं ग्लोबल नॉलेज वर्क्स, और अब आप बाद में देखेंगे, एक बार ये MBBS का सीज़न ख़त्म हो जाएगा एडमिशन का, तो वी आर नॉट ओनली MBBS काउंसलर्स और वी आर नॉट ओनली MBBS इंडिया काउंसलर। तो आपको जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अक्सर आप देखते होंगे, जो मैंने कई बार बोला पहले, कुछ लोग हैं जो सिर्फ MBBS इंडिया की भी काउंसलिंग करते हैं, कुछ है जो अब्रॉड की करते हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग एडमिशन्स कराते हैं, कुछ लोग हैं जो स्टडी अब्रॉड में करते हैं, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। शायद हम एकमात्र कंपनी है इंडिया की, लेट मी पुट इट दिस वे, जो सारे काम ही इक्वली कॉन्फिडेंस के साथ करती है। तो हम लोगों को MBBS अब्रॉड भी कराते हैं, MBBS इंडिया में भी कराते हैं, हम स्टडी अब्रॉड भी कराते हैं, जिसमें कैनेडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड टाइप की कंट्रीज़ में एडमिशन्स फॉर नॉन MBBS कोर्सेज, बाकी कोई भी कोर्स हो। और सिमिलरली हम इंडियन एडमिशन्स भी करवाते हैं, दिल्ली में एक फेमस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस लेवल है और कनेक्शन लेवल है। और मैं हमेशा खुल के अपने चैलेंज में आपको बताता ही हूँ, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो IP हो, क्योंकि जो लोग नॉन MBBS को, MBBS को भी देखते हैं, कि कहाँ मैनेजमेंट सीट अवेलेबल हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। तो स्पेशली जब मैं UP हरियाणा के कॉलेजेस की बात करता हूँ, मैं MBBS की बात कर रहा हूँ, और मैंने खुल के कई बार आपको बताया कि वहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, UP में तो NRI सीटें होती नहीं है, कोई मैनेजमेंट सीटें होती नहीं है, तो लास्ट तक जो भी एडमिशन होता है वो सब काउंसलिंग के थ्रू होता है। और अब हरियाणा में भी मोस्टली ऐसा हो चुका है, जब से सारे राउंड ऑनलाइन होने लगे हैं, सिर्फ लास्ट राउंड को छोड़ के, लेकिन चूंकि NRI सीट्स राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो कुछ नहीं बचता राउंड 4 के लिए जनरली। अच्छा, इस वीडियो का मेन पर्पज़ क्या था, सॉरी, इट इज़ अबाउट क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो देखिए, अभी आपने शायद एक लेटेस्ट वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, और मैं भाई एक काम से सोलन गया हुआ था, तो मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी चला गया, बिकॉज वहाँ से मुझे कई बार रिक्वेस्ट आई थी, जैसा कि मैंने कहा, वी आर ऑल्सो अ करियर काउंसलर, और वहाँ पर कोई MBBS की पढ़ाई नहीं होती है, कि सर आप बाकी कोर्सेज के हिसाब से देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी को जज कीजिए। तो मैं कहने का मतलब क्या है, MBBS में बार बार कहता हूँ, जो मेरे चैनल के आप दूसरे वीडियो देखे होंगे, एकमात्र एक बहुत यूनिक कोर्स है इंडिया में। उस यूनिक कोर्स की वजह यही है कि आज भी हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, MBBS डॉक्टर्स की है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, और जिसकी वजह से कोई भी बच्चा अगर ये MBBS की डिग्री ले लेता है और पहले FMG या अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम, नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम पास कर लेगा, तो एक ना अच्छा कैरियर इज़ मोर और लेस अशोल्ड, राइट, मोर और लेस अशोल्ड। अब उसकी वजह से क्या होता है, एंड इट इज़ द ओनली डिग्री, लेट मी टेल यू, ओनली डिग्री, मतलब कि BTech जब आप करते हो तो हम ये कहते हैं BTech कहाँ से करी है, MBA कहाँ से करी है, BBA कहाँ से करी है, बट MBBS कहीं से भी कर रखी हो, ऑफकोर्स आप पर पेपर पास करोगे, नेक्स्ट वन पास करोगे, नेक्स्ट टू पास करोगे, ताकि आपके पास डिग्री हो, तो जॉब की कमी नहीं आपके पास, कुछ तो मिल जाएगा आपको, तभी तो हरियाणा ने वो बॉन्ड निकाला था जिसको लेकर सब लोग दुखी थे। अब सवाल ये है कि चूँकि ये बात जग जाहिर है, तो जो MBBS के कॉलेज भी चला रहे हैं, और मैं खासकर प्राइवेट कॉलेज ओनर्स की बात कर रहा हूँ, देखिए मोस्टली प्राइवेट कॉलेज MBBS के इंडिया में सिर्फ पैसे कमाने के लिए खोले गए हैं, राइट। और चूँकि एक ना इकोनॉमिक्स में टर्म होती है, जो लोग समझते हैं, मोनोपोली, तो जब आपके पास एक धंधा है आपका, जिसमें आपको मालूम है कि आप जैसा मर्जी सर्विसेज दें, लोग खरीद ही लेंगे, जैसे इंडियन रेलवेज, राइट, जो जब से आज़ाद हुए देश, चाहे कोई भी सरकार हो, हम उस पर बिल्कुल ही जाएंगे, लेकिन रेलवे की टिकट तो हमेशा ही 2 महीने की वेटिंग में चलती है ना, तो रेलवे सर्विसेज दे ना दें, क्या लोग रेलवे में जाना बंद कर देंगे, फिर भी अगर कुछ अच्छा काम होता है, हम तारीफ करते हैं। यही हालत है MBBS कॉलेजेस की, लेकिन ये ना बाकी MBBS में ऐसा नहीं है। तो लेट से अगर आप कोई BTech कॉलेज चला रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ अब IITs NITs के अलावा, या आप लॉ कॉलेज चला रहे हैं या BBA कॉलेज चला रहे हैं, तो बहुत हर लिहाज से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर हम दिल्ली के आसपास की बात करें, चाहे वो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हो, चाहे नोएडा की तरफ गलगोटिया हो गई, या जैसे मैंने उस वीडियो में बोला, चंडीगढ़ के पास शूलनी हो गई,
चितकारा हो गई, दे ऑल हैव टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर स्टूडेंट्स। MBBS में तो ऐसा है नहीं, चाहे मैं जितनी मर्जी आपको समझा लूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम के चैलेंजेस बता दूँ, सच्चाई तो ये है कि फिर भी MBBS की एक एक सीट इंडिया में भर जाती है। देखिए लास्ट ईयर मैं रिपीट करूँ, 2022 में लास्ट में 5,000 सीटें खाली जा रही थी आउट ऑफ 110,000 जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग पैटर्न, पर अल्टीमेटली तो कोई खाली नहीं गई ना, वो भी सारी भर गई थी। आप किसी भी कॉलेज से संपर्क करेंगे, कोई भी एक ऐसा बैच की एक भी सीट खाली नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस इंडिया 104,000 की 4,000 सीटें भरी ना। तो जो प्राइवेट कॉलेज है ना इंडिया के, अब वो उस हिसाब से चलते हैं। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं, और बेबस कुछ लोग पूछते हैं आपकी नज़रों में कौन से शानदार कॉलेज हैं, तो मैं कहता हूँ प्राइवेट में पूरी इंडिया में शायद 25 तो ऐसे कॉलेज हैं जो एक्चुअली सरकारी से भी अच्छे हैं। देखिए एक अच्छे कॉलेज की परिभाषा में वो मैं देखता तो 5-6 चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो बच्चे के पढ़ने का, फैकल्टीज हो, क्लासरूम क्वालिटी हो, इक्विपमेंट क्वालिटी हो, सीरियसनेस अबाउट एकेडमिक्स हो। फिर डेफिनेटली जब पढ़ रहे हो तो आपको मेडिकल में पेशेंट एक्सपोजर मिलना चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ आती है कि जब बच्चा वहाँ रह ही रहा है 5.5 साल के लिए, तो सबसे सिंपल है अभी रहने खाने का आराम हो, इजेंट इट। तो एक ये है कि फैकल्टी सब कुछ अच्छा हो, इंफ्रा अच्छा हो, एक है पेशेंट फ्लो अच्छा हो, और दूसरा रहने खाने का आराम हो। अब किसी भी सरकारी कॉलेज में, इंडिया किसी भी कोने में, वो खोले वहाँ जाते हैं कि पेशेंट फ्लो की कमी तो किसी सरकारी कॉलेज में होगी ही नहीं, लेकिन इंफ्रा चेंज करना था इतना आसान नहीं होता। सरकार एक बार तो पैसा खर्च करके अच्छा बना देती है, बट वो जो डे टू डे रूटीन मेंटेनेंस है वो तो होती नहीं है। और तीसरा जो एंगल है, विच इज़ जैसे मैंने कहा रहने खाने का आराम, वो भी आपको पता ही है कि हॉस्टल्स की चाहे मेंटेनेंस हो, अपकीपमेंट हो, वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है जितनी शायद एक प्राइवेट करता है। तो कोई मुझसे पूछता है ना कि सर पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है या रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचना है, तो कस्तूरबा के तीनों कैंपस JLN बेलागावी, ये JSS मैसूर, KS हेगड़े, या उधर आप आ जाइए कृष्णा कराड़ पूना के साइड, तो इस तरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया हैं जो कि जिन्हों दे विल गिव MGM जयपुर, यू नो हिमालयन जॉली ग्रांड, मैं हमेशा कहता हूँ विच आर रियली टॉप, दे आर बेटर देन मैनी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो, शायद ऑल ऑफ देम, अगर हम तीनों फैक्टरों को कंसिडर करें। फिर उसके बाद देखना नेक्स्ट लेयर शुरू हो जाती है, जो फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छे में गिनी जाती है। MBBS मुलाना भी चलो कैटेगरी वन में आ गया, DY पाटिल का कैंपस, या भारतीय विद्यापीठ पुणे का कैंपस, अमृता कोची, अगर पर चूँकि मैं देखिए ज़्यादातर नॉर्थ या वेस्ट कॉलेजेस की बात करता हूँ, या अरबिंदो इंदौर, क्योंकि नॉर्थ के बच्चे टिपिकल केरल या तमिलनाडु में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या अपोलो हैदराबाद, शानदार कॉलेजेस हैं प्राइवेट में भी, सब कुछ है इनके पास, पेशेंट फ्लो भी है, इक्विपमेंट भी है, फैकल्टीज भी हैं, और रहने खाने का भी आराम है। लेकिन फिर इसके बाद ना इस बात को समझिए, और मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि BTech BBA वगैरह में क्या होता है, अच्छी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, और जो ख़राब होंगे वो तो बंद हो जाएंगे। बट MBBS में ना ख़राब भी चल रहे हैं, तो अगर मेरे को 300 से ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस में से अगर 350, अब तो हो गए 345 के आसपास, अगर मुझे 100 तो खराब की श्रेणी में आते हैं, ठीक। अब खराब से जो ऊपर हैं वो हो गए समझ लो औसत, एवरेज, उसके ऊपर हो गए अच्छे, और फिर शायद बहुत अच्छे। तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको मैं अच्छा बोलता हूँ, क्योंकि अगर उनको मैं औसत बोलूँगा तो फिर औसत किनको बोलूँगा और ख़राब किनको बोलूँगा। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि एटलीस्ट जो मेरे वीडियोज़ होते हैं, मैं अपनी तरफ से बहुत जेन्युइन फीडबैक देना चाहता हूँ, क्योंकि MBBS में हमें कहीं से कोई आपको जानते ही हो वो नहीं मिलता है, कमीशन जिसे कहते हैं, जो आप लोगों को एक शायद लगता होगा, किसी भी कॉलेज को सीट की कमी है ही नहीं, राइट। हम तो बेसिकली हमेशा आपसे चार्ज करते हैं, फिर तो मुझे किसी कॉलेज को प्रमोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरी नज़रों में ख़राब होते हैं वो आपको बताता हूँ, राइट। आप चैनल देखिए, एक दो नहीं, और मैं कहता हूँ मैं सब कॉलेज में जा भी नहीं पाया हूँ, पर वो हरियाणा के दो हों या UP के 7-8 हैं जिनको मैं खराब की श्रेणी में डालता हूँ। उसके बाद कुछ हैं जो औसत में हैं। अब चक्कर ये है कि अगर मैं उनको औसत में डाल रहा हूँ तो उनसे ज़रा सा जो बेटर है उनको थोड़ा सा तो बेटर देना पड़ेगा ना। तो समटाइम वो कॉलेज औसत और अच्छे के बीच में होते हैं, तो शायद मैं उन्हें अच्छा बोल देता हूँ, वो औसत हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम आदेश को औसत बोलेंगे, एग्जाम्पल के हरियाणा में
या हम मुजफ्फरनगर मेडिकल को औसत बोलेंगे, रोहिला खंड को औसत बोलेंगे, तो मैंने कहा ना कि फिर यूपी में तो अच्छा कोई बचेगा ही नहीं, बहुत अच्छा तो चलो वैसे कोई नहीं है, तो फिर अगर हम 4-5 को अच्छा बोलते हैं यूपी में, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 6-7 तक, फिर अगले को औसत बोलते हैं, अगले 6-7 को, तभी तो फिर अगले 7-8 को बेकार बोलते हैं। अब सभी को औसत बोलेंगे तो सारे फिर बाकी सारे बेकार हो जाएंगे, तो अच्छा कोई बचेगा ही नहीं। और ठीक है, पर अगर अपन न्यूट्रल तरीके से देखोगे तो बात उनकी ठीक है जो कमेंट डालते हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आप अपने बच्चे के लिए MBBS कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अगर इस साल 110,000 सीटें लॉन्च होने वाली हैं, तो आज भी MBBS के कॉलेज, सरकारी की तो बात ही छोड़ दो, किसी भी एंगल में, किसी भी कोने में, कितना घटे से घटे सरकारी कॉलेज चला लो, 600 से ऊपर नंबर वाले आते हैं, राइट, 580-590 वाले, क्योंकि MBBS की फ़ीस में इतना ज़्यादा फ़र्क है सरकारी और प्राइवेट में। सिमिलरली प्राइवेट में आप जैसा मर्जी घटिया कॉलेज चला लो, बस आप बैन ना हो जाओ या आप डीरेगराइज ना हो जाओ, आपकी सीटें भर ही जाएंगी। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज जैसा भी ना, जो भी नया आता है पहले साल ही भर जाती हैं, फ़र्क वही बात है किस नंबरों में भरती है, पर भर जाती हैं। तो इस वजह से ना जो पैरामीटर है जजमेंट का, वो मैंने खुद बड़ा नीचे कर रखा है। अगर वही मैं किसी BTech कॉलेज को या BBA कॉलेज को या लॉ कॉलेज को या फैशन मार्केटिंग कॉलेज को जज करता हूँ, तो बहुत डिफरेंट एक्सपेक्टेशन से जज करता हूँ, और वही अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ जो उन कोर्सेज की काउंसलिंग लेने आते हैं। लेकिन जब मैं MBBS कॉलेज की जजमेंट देता हूँ फाइनली ना, तो एक लेवल तकरीबन नीचे देता हूँ। तो जब आप लोग उसके बाद किसी कॉलेज को देखने जाते हो, और आपको लगता हो क्योंकि शायद आपके बड़े बच्चे ने या किसी और ने कहीं BTech में या कहीं लॉ में एडमिशन लिया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि यार सर क्या बोल रहे थे कि अच्छा है, क्योंकि यू नो BTech में हमने, जैसे मैंने कहा, हमने तो मतलब उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, गलगोटिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, SRM का देखा, शिवनादर का देखा, NIT निर्वाणा का देखा, मुंजाहल का देखा, या और बेनेट का देखा, या मैंने बोला शूलनी का देखा, चितकारा का देखा, UPS का देखा, और सर तो क्या बोल रहे हैं कि इन कॉलेजों को सर कह रहे हैं अच्छे हैं। तो मैं अब आपको ये क्लियर करना चाहता था कि वो जो अच्छे का जो पैरामीटर है ना मेरा, वो मैंने एक लेवल नीचे कर रखा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू MBBS कॉलेज। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप एक एजुकेशनिस्ट है, तो एक मात्र डिग्री जिसको अगर आप पढ़ा दो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपकी सीटें भरेंगी या नहीं भरेंगी। आप इतना जितना मर्जी घटिया पढ़ा लो, जितना मर्जी घटिया काम कर लो, बस किसी तरीके से जुगाड़ से NMC की इंस्पेक्शन पार करते रहना, तो वो एकमात्र कोर्स है MBBS। और इसी वजह से ही MBBS की इतनी डिमांड है, इसी वजह से MBBS अब्रॉड जैसी इंडस्ट्री चलती है, जहाँ पर उन्हीं एवरेज ठंडी कंट्रोल में लोग डिग्री लेने के लिए जाते हैं। ओके, तो जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आज 2 जुलाई हो गई है, उम्मीद पूरी है कि 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा MCC का। पर फिर भी मैं वही कहता हूँ जो मैंने कहा था कि शायद जो फर्स्ट राउंड MCC का है वो मिड जुलाई से स्टार्ट होगा, और उसके हिसाब से जो 10-12 दिन का लैग होता है, आई थिंक अगस्त फर्स्ट वीक में हर स्टेट्स के राउंड 1 स्टार्ट हो जाएंगे, और रफली स्पीकिंग भाई सितंबर एंड तक काउंसलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।